सो हे वेलकम गाइस, तो दुबई से आते हैं एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज हम गाइस इस दो बाइक का टेस्ट लेके आए हैं गाइस मेगारम में। तो एक बंदे ने कमेंट किया गाइस आर्म साइज वर्सेस केटीएम करो, तो हम उसके ऊपर वीडियो डाल चुके हैं। तो देखते हैं इस दोनों में से कौन सी बाइक जीती इस मेगारम से। हम टेस्ट करने वाले हैं, तो बहुत नीचे देख सकते हो जमीन ही नहीं दिख रही है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले आर्म साइज में, क्योंकि ये गाइस यामा की बाइक है, तो इसमें बैठने में मेरे को बहुत ज़्यादा फेवरेट लगती है। अभी इसको कुदाते हैं, यहाँ पर खड़ी करते हैं और यहाँ से 3 2 1 गो। तो अभी गाइस गाइस को हमने जंप करा दिया है, इसका पिछले वाला टायर है इतना पतला, इसका देख सकते जंप अभी वैसे ठीक चल रही है। अब आने वाली गाइस सबसे मेन चीज जो भी है रैंप, उसमें से जंप हो पाती है नहीं। अभी से अनकंट्रोल हो रही है गाइस, तो देख सकते हो आप, तो इसको रैंप से भी जंप करवा के देखेंगे। और गाइस यहाँ पर आके अनकंट्रोल हो चुकी है, और यहाँ पर गाइस पूरी आदमी नीचे गिर चुका है हमारा। तो अभी गाइस R15 को उठाते हैं और गाइस KTM को लाते हैं। तो हम वापस से ऊपर आ चुके हैं, तो इस बार KTM का करते हैं, तो देखते हैं KTM कहाँ तक जा पाती है। तो इस मेगारम से इसको जंप करवाएंगे, इसमें 3-2-1 नहीं बोलेंगे हम, तो यहाँ से सीधा इसको जंप करवा देंगे। देख सकते हो उसका टायर कितना मोटा है पीछे वाला, यहाँ से ये जंप पता नहीं क्यों हो गई, ये मैंने तो नहीं करवाई, ये इसके कंट्रोल से उछला गया इसलिए जंप हो गई। तो अभी ये लैंडिंग कैसी होगी, इसकी लैंडिंग बहुत ज़्यादा मस्त हुई है गाइस। तो अभी इसको जंप करवाते हैं गाइस, तो इसको चलने देते हैं नीचे और फिर देखते हैं कि इसको कहाँ तक पहुँच पाती है ये। अगर रैंप आ रहा है गाइस इसमें नहीं कुदा पाएंगे हम इसको, और यहाँ से गाइस ये अनकंट्रोल होगी। और गाइस यार ये तो रैंप के बीच में से ही नीचे गिर चुकी है, और गाइस नीचे आके गिर चुकी है। वैसे तो यार गाइस ये बाइक्स अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक्स है, आप बताइए कौन सी बाइक।